Hi guys, you're watching Fit Muscle TV. My name is Gaurav. I am in Hyderabad today doing a chest workout. बहुत लोगों के queries आए थे कि सर हमारा जो है upper chest specially grow नहीं करता, chest के लिए video बनाएंगे एक. So आज मैं specific video बना रहा हूँ regarding bench press और एक technique बताऊँगा आपको जिससे you can see new growth अगर आपको plateau stuck हो गया है. उससे पहले दो-तीन basic चीजें. Most of the people have difficulty in growing the upper chest, जो कि problem area होता है, lower chest काफी develop हो जाता है. उसके लिए मैं recommend करूँगा, if you see the bench over here, if you see the bench, ये मैंने angle लगाया हुआ है 45 degree से ज़्यादा, because it hits your upper pec and your shoulder, और weight मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे 20 kilo का, फिर एक 10 की plate है, फिर एक 15 की plate है. ऐसा क्यों लगा ये मैं आपको explain करूँगा. Start करते हैं ये workout. It's a giant set, 3 set करूँगा एक के बाद एक मैं. So guys, more than 45 degree angle, जितना आप angle बढ़ाएंगे उतना आपके upper chest में ज़्यादा आएगा. So ये technique मैंने अपने ऊपर apply करना start की थी आज से तकरीबन 3-3.5 साल पहले. मेरा भी upper chest बहुत weak था. अभी मैं हमेशा जो अपना chest workout start करता हूँ एक incline से करता हूँ और बहुत ही अच्छा result मिला मेरे को. And I put incline more than 45 to 60 degree angle also. And grip कैसी होनी चाहिए? Some people go very wide, some people go very narrow. If you go very wide, it puts बहुत ज़्यादा strain आपके wrist पर आता है. और जब आप नीचे आते हैं तो चेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड पोजिशन फॉर द चेस्ट मसल टू बी इन. चांसेज ऑफ चेस्ट टियर आर मोर. ग्रिप, लॉट ऑफ पीपल ग्रिप ओवर हैंड लाइक दिस. स्मिथ मशीन पे ये चल जाएगा, बट अगर आप फ्री वेट पे हैं दिस इज़ नॉट सेफ, वेट स्लिप हो सकता है. मेरे साथ एक बार हो गया था कॉलेज में, उसके बाद से ऑलवेज ग्रिप द बार लाइक दिस. हमेशा शुरुआत से अच्छी आदतें डालें. तो ये मैं स्टार्ट करता हूँ. ये मैंने लगाया मैक्स वेट. आई ट्राई टू डू एज मेनी रेप्स एज पॉसिबल, देन आई ट्राई टू ड्रॉप द वेट. उसके बाद मैं करूँगा विच इज कॉल्ड द एक्सप्लोजन ऑफ द मसल, एंड देन वन मोर टाइम आई ड्रॉप द वेट. सो पहले मैं करता हूँ एक्सरसाइज एंड देन आई ट्राई एक्सप्लेन यू कि कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें क्या है. सो ये मेरा हो गया शोल्डर वेट. सो आई ग्रैब द बार जस्ट लिटिल वाइड, थोड़ा सा वाइड शोल्डर ग्रिप से. टेक योर टाइम, ब्रीद इन, grip the bar tight. And now let's go for the lift. Come on, man. 1, 2, 3, go. अभी व्हाट आई डू इज आई ड्रॉप द वेट. एंड विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट ना कम्स द मेन पार्ट. उसके लिए आपको ये स्टॉप्स लगाने पड़ेंगे एट अ लेवल जहां पे ये वेट आपके चेस्ट पे ड्रॉप हो जाए. सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी अनरैक्ट द बार, ब्रिंग इट डाउन, लीव इट कंप्लीट अ स्टॉप. Or then we'll try to explode from the bottom. So ये मैंने लिया bar, unwrap, bring it down slowly. ये मैंने bar leave कर दिया यहाँ पे. So you see the bar is resting over here. And now I try to explode up with all my energy. Boom. So you come back slow, leave the bar, explode. So ये करना है आपने. Leave the bar, so bar is पूरा छूटा हुआ है. Grip the bar back again. After this is complete, एक और set रहता है हमारा. So I'll drop the weight even further. And now we'll do just contraction, which is a slow negative, a super slow negative, and a super slow positive. You're going very slow down. 5 to 6 seconds. Same way up. Ooh. You see, my muscles are already so tired that even the light weight feels so heavy. Ooh.
गाइस ये था एक कंप्लीट सेट, आई एक्सप्लेन यू नाउ. सो इसमें आपने यू फिटिंग ऑल द टाइप ऑफ मसल फाइबर्स, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 2A, 2B. पहला आपने जो सेट किया इट वाज अ हेवी सेट, जो आपके फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स उनको एक्टिवेट किया आपने. एंड यू सी आई वाज नॉट गोइंग फुली अप बिकॉज मैं लॉक कर दूंगा, मेरा बोन पे पूरा स्ट्रेस आ जाएगा और ट्राइसेप टेक ओवर कर लेती है. सो दिस इज योर रेंज, यू वांट टू स्टे इन दिस रेंज. सेकेंड, आई ड्रॉप द वेट एंड आई वॉज डूइंग एक्सप्लोजिव मूवमेंट्स. सो एक्सप्लोजन से आपका जो मसल फाइबर है बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन होता है व्हेन यू एक्सप्लोड ऑन द पॉजिटिव. दैट इज वन मेन रीजन फॉर हाइपरट्रॉफी, मसल ग्रोथ. सो ये आपने स्टॉप्स लगाए, यू कम बैक नॉट वेरी स्लो, नॉर्मल रेट पे नीचे आना आपने, लीव द वेट एंड देन एक्सप्लोड. जब आप नॉर्मली करते हैं तो आप एक्सप्लोड नहीं कर पाते बिकॉज थोड़ा मोमेंटम यूज करते हैं. कुछ लोग बाउंस करते हैं जैसे एक मोमेंटम से आप लिफ्ट करते हैं, बट व्हेन यू स्टॉप एट द बॉटम यू आर किलिंग ऑल द मोमेंटम. एवरीथिंग कम्स फ्रॉम योर चेस्ट. सो आपने एक्सप्लोड करना है. और थर्ड मैंने क्या किया, आई ड्रॉप द वेट, 20-20 का था खाली, सुपर स्लो नेगेटिव एंड सुपर स्लो पॉजिटिव. सो सारे टाइप ऑफ मसल फाइबर्स आपके एक्सप्लोर खत्म हो जाते हैं, ऑल द एनर्जी इज एग्जॉस्टेड. एंड आपने देखा लास्ट में आई कुड डू ओनली 2 reps बिकॉज इतना ज़्यादा मैं थक गया था. सो ट्राई दिस, दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक. मसल इसका बेंच का एंगल प्लीज ध्यान में रखिएगा, 60 degree एंगल्स. Try this, let me know how it works for you. Please leave a comment. Thank you once again for watching the video. My name is Gaurav, FitMuscleTV.